During this discussion of comparison of Python with different other languages, the next comparison is that is with C++. C++ जो है ये sort of a lower level language, है, लेकिन not जैसे एक चीज होती है assembly language या machine language भी उसे कहते हैं. Machine learning and machine language are two different things. मशीन लर्निंग तो हमारी एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं इन डेटा साइंस यूजिंग Python और एनी अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लेकिन जो मशीन लैंग्वेज है ये वो लैंग्वेज होती है जो कि जो आपका हार्डवेयर है देखिए जब आप जो भी काम किसी कंप्यूटर पे करते हैं उसके अल्टीमेटली जो नीचे काम हो रहा है दैट इज़ एट यू नो द लोएस्ट लेवल द फिज़िकल लेयर जो है उसकी उस लेवल पे होता है ठीक है तो जो लैंग्वेज बिल्कुल उसके करीब होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है तो अगर आप एक चीज़ और प्लीज़ नोट कीजिए ओ एस आई मॉडल ये आप ज़रूर पढ़ें इट विल हेल्प यू टू यू नो अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स कि जो एप्लीकेशन लेयर है फिर सेशन लेयर है फिर आपका जो सारा आई पी लेयर है और फिजिकल लेयर तक देर आर सेवन लेयर्स राइट तो अगर आप जब लोअर लेवल पर जितना उस लेवल पर रह कर बात करेंगे यू मीन बिटवीन टू कंप्यूटर सिस्टम्स यहाँ जो आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उतना ही आपका जो कोड है वो आ, जो है उसका रिज़ल्ट उतना ही उसकी परफॉर्मेंस स्पीडी होगी फिर इसके बाकी भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इवन बिजली की जो कंजम्पशन है आपकी आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है जो आपकी चिप्स है ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये पावर कंज्यूम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं तो ये चीज़ें भी जब आप एक लार्ज स्केल पर जाते हैं एक एंटरप्राइज लेवल पर जाते हैं जहाँ पर आपको ये पता है कि अगर मेरा जो कंप्यूटर है कितनी देर चलेगा और कितनी बिजली खर्च होगी क्योंकि आपने या किसी ने उसका बिल भी देना है जो ना तो ये सारी चीज़ें जो प्लानिंग है उस लेवल तक आपको करनी पड़ती है तो स्टेप बाई स्टेप इनशाला यू विल लर्न कि कोई भी चीज़ जो है ना दे इज़ नथिंग इन द आइसोलेशन ये आपकी एक बहुत बड़ी जो है ना एक, एक एकोसस्टम है पूरा इसका इंफॉर्मेशन कम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का और फिर डेटा साइंस इज़ वन कंपोनेट ऑफ इट प्रोग्रामिंग इज़ वन कम्पोनेट ऑफ इट और जो लोग जब ये जो आर्किटेक्चर होते हैं इसके सॉफ्टवेयर के ये जो सोल्यूशन डिजाइन करते हैं दे टेक केयर ऑफ दिस स्टफ एज वेल ये चीज़ें क्या हैं तो ओ ओस आई मॉडल जब आप पढ़ेंगे तो इट विल डेफिनेटली लीप पूरी एक जैसे कहते हैं ना कि एक शिफ्ट होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में कि uh, ये जो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं और किस तरह से उनको डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लेयर्स पे हैंडल किया जाता है जो सी और पाइथन का बेसिकली एज ए सैड के Uh, इसमें भी वही है जैसे जावा और ये आप अगर देखा जाए ना क्योंकि हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव है हमने पाइथन पढ़नी है तो इसलिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल कि हाँ दिस इज़ द राइट थिंग टू स्टार्ट वैसे अगर कंपैरिजन बनता है ना टेक्निकली स्पीकिंग कोई ऐसी सिचुएशन हो तो वहाँ पर ये हम डिसाइड करें कि हमने सी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है या हमने जावा में करनी है देन दैट कंपैरिजन यू नो इज़ ईजी या उसका एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है बट यहाँ पे क्योंकि हमारा जो फोकस है वो पाइथन है या डेटा साइंस है तो इसलिए हम इसको पाइथन को कंपेयर कर रहे हैं तो ये देखिए इसमें जो सबसे ईजी चीज़ है ना बिगनर्स राइट right? ए आपके लिए गेंद जैसे जावा में हमने बात की उसी तरह से यहाँ पे आपके लिए वही है जो ऑफकोर्स सैलरीज़ वगैरह का भी आजकल है क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो इसी तरह इसकी जो डेवलपर्स है इट डज़ेंट मीन कि अगर आपने सी प्लस प्लस सीख ली है या आपको सी प्लस प्लस आती है तो यू विल बी लाइक लेफ्ट बिहाइंड ऐसा कोई सीन नहीं क्योंकि इनकी एक अपनी मार्किट है हम क्योंकि कंपेरिजन कर रहे हैं डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनालिटिक्स की मार्किट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मे भी ये आपको लगे लेकिन इनकी एक अपनी मार्किट है और मैं आपको बताऊँ कि एक वो लैंग्वेज देर इज समथिंग कॉल्ड कोबॉल सी ओ बी ओ एल दिस वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज विच आई लर्न बैक इन नाइनटीन एटी फोर राइट बिफोर आई स्टार्टिड माई मास्टर्स डिग्री और शायद आप में से बहुत सारे लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे और ये लैंग्वेज इसे कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये लैंग्वेज बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और आज भी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि कोबोल में चल रही हैं दुनिया में इवन अगर आप अपने किसी इफ़ यू हैव कनेक्शन द बैंकिंग इंडस्ट्री यू आज टेम एंड दे विल टेल यू कि उनके अभी भी बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं जो कोबोल में चलते हैं तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी नॉलेज जो है उसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है उसकी एक अपनी मार्केट वैल्यू है तो वी आर नॉट है रियली टू टू डिस्कस और मेक अ कमर्शियल कंपेरिजन लेकिन क्योंकि ये ऑन द फ्लाई थिंग्स वर अवेलेबल तो वी आर शेयरिंग यू नो दीज एस्पेक्ट्स विद यू एज वेल अब वेब डिवेलपमेंट के लिए भी सी प्लस प्लस को इतनी ज़रूरी नहीं क्योंकि सी प्लस प्लस को जैसे मैंने कहा कि हम लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं ई टी एल एक चीज़ अगर अभी तक हमने नहीं डिस्कस की तो हम करेंगे ई टी एल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड ये शायद डेटा रैंगलिंग में हमने इसको करना है डिस्कस तो, तो ये जो है ना उसमें इसको थोड़ा और भी डिटेल से डिस्कस किया है डेटा रेंगलिंग में इस पर्टिकुलर चीज़ को कि आपको स्पीड की वहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ती है तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है इस तरह कई और चीज़ें हो सकती हैं और हैं भी बट मेक श्योर के आपके लिए द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विद इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो यही उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने दोबारा कंपेयर किया है थोड़ा सा डिफरेंट एंगल के साथ इसकी जो देखिए अब जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ये ये दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड इसकी जो स्पीड है और फिर ये जो मैं स्पीड की बात कर रहा था कि ये लो लेवल पे काम करती है दैट इज़ एग्जी ऑन मशीन ठीक है इसकी भी डेफिनेटली हम लाइब्रेरीज को वी आर नॉट कंपेयरिंग लाइब्रेरीज है लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ना ये इसको बहुत ज़्यादा वेटेज देती हैं या वैल्यू देती हैं एक प्रैक्टिकल चीज़ जो वट वी हैव डन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन द इंडस्ट्री पाइथन के अंदर जो है ना स्टैटिस्टिकल मॉडल बिल्ड करना डेवलप करना रिलेटिवली आसान होता है एंड दिस वट द पीपल इन द इंडस्ट्री डू एंड दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस वो करते है क्या है कि एक जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है उसको इसमें पाइथन में डिवेल्प करते हैं मॉडल को ट्रेन करते हैं जब आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे ना तो फिर आप ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मॉडल सेलेक्ट करना उसको ट्रेन करना फिर उसके ऊपर एनालिसिस करना टेस्ट डाटा क्या है मेरा पूरा जो डाटा है वो क्या है तो देन यू विल लर्न दीज थिंग्स बट फॉर नो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्योंकि पाइथन में जो स्टैटिस्टिकल मॉडल डेवलप करना आसान है हम क्या करते हैं इवन वी डू इट इन अवर प्रोफेशनल लाइफ कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री जहाँ मुझे पता मेरे पास लाखों करोड़ों लोगों का डाटा आ रहा है तो मैं अभी मैं उस पर मौके मॉडल के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग में हमने पढ़ा था कि इनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो मॉडल हम सिलेक्ट करें और उसको अडॉप्ट करें तो वी मिनिमाइज़ दो लिमिटेशन ताकि आपको प्रैक्टिकली उसका एडवांटेज हो जब आप इतनी सारी एफर्ट करते हैं तो मॉडल को ट्रेन करने में करेक्ट करने में जो एफर्ट है वो आप पाइथन पे लगा लें ताकि आप आसानी से ये काम कर सकें वंस दैट इज़ डन अब आपका मॉडल टेस्टेड है कि जो सोर्स डाटा है आपका वो वही रहेगा जैसे मैंने टेलीकॉम की एग्जांपल दी या एटीएम का डाटा है या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम डाटा है जहाँ पर लाखों ट्रांजेक्शन रियल टाइम पर हो रही होती हैं उनको भी किसी ना किसी तरीके से आपने कंट्रोल करना है तो स्पीड और ये जो इसका एक है ये जो अपना एक्जी ऑन मशीन दिस मेक इट वेरी वेरी स्पीडी अच्छा अब वो फिर ये करते हैं जी उसमें आपने पाइथन में मॉडल डेवलप किया उसको ट्रेन किया वन दिस इज टेस्टेड पास हो गया आपका मॉडल फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं आप सी प्लस प्लस में एंड देन यू डिप्लॉय इट इन द प्रोडक्शन इन्वामेंट और फिर दैट इज़ हो इट इज़ यू नो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ योर नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेजेस